पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गांधी प्रतिमा स्थल फूलबाग में धरना दिया। धरने पर बैठे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर वे लोग कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार इस विषय पर निर्णय नहीं ले रही है। इसको लेकर राज्य के शिक्षक से लेकर कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन में किसी तरीके की खामी है तो अभी तक सांसदों और विधायकों को इससे क्यों आच्छादित किया गया। सांसदों और विधायकों को भी न्यू पेंशन स्कीम देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर संगठन का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हमारी एक मांग, प्रमुख मांग चल रही है राज्य कर्मचारियों शिक्षकों की, पुरानी पेंशन बहाली की। क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ रैली, महारैली हुई, विशाल रैली, और उसके बाद दिल्ली में रैली हुई। वर्ष 13 से साइकिल यात्रा हुई लखनऊ से दिल्ली तक। केवल एक मांग पुरानी पेंशन की बहाली है, लेकिन वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जबकि माननीय विधायक सांसदों को पुरानी पेंशन दी जा रही है। हम कहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन में गड़बड़ी है, नई पेंशन में बहुत अच्छी है, तो माननीय विधायक सांसद को पुरानी पेंशन से क्यों आच्छादित किया गया है? उनको भी नई पेंशन में ले आए।